प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे अपडेट सबसे पहले मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल 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 ब्लॉग ऑफ माइन। ओह गॉड, आज का जो ब्लॉग है ना, मुझे बहुत बहुत टाइम लगा इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको जैसे कि टाइटल से पता चल गया होगा आज का ब्लॉग क्या है। आज का ब्लॉग इज ऑल अबाउट माय ज्वेलरी कलेक्शन। बट यस, पहले ये बोल दूं कि ज्वेलरी कलेक्शन मेरे पास बहुत ज्यादा है, लाइक लिटरली मेरे पास बहुत ज्यादा है। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रीट शॉपिंग करती हूँ, मैं ऑनलाइन भी बहुत कुछ मंगवाती हूँ। और एक मेरी फ्रेंड है अंकिता, उसका एक मतलब वो डील करती है ये सब ज्वेलरी प्रोडक्ट्स के साथ, सुई धागा, मैं उससे भी बहुत कुछ मंगवाती हूँ। तो मेरे पास ऑल टोटल बहुत ज्यादा कलेक्शन है। सो मैं आज एक दिन में आपको दिखाना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो व्हाट आई डिसाइडेड कि मैं एक दिन में आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो है वो दिखाऊंगी, फिर दूसरे ब्लॉग में आपको ऐसे नॉर्मली फंकी इयररिंग्स ऐसा कुछ दिखाऊंगी, फिर तीसरे मतलब ऐसा ऐसा करके एक एक सेगमेंट करके दिखाऊंगी। क्योंकि नहीं तो नहीं आप खुद पजल हो जाएंगे और मैं पागल ही हो जाऊंगी, इतना कुछ सब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती। बट आज भी जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत बहुत सबसे ज्यादा अगर मेरे पास कुछ है दैट इज ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। क्योंकि वो एक ऐसा ज्वेलरी है जो कि आप जींस के साथ भी कैरी कर सकते हैं, आप उसको ट्रेडिशनल वेयर के साथ भी कैरी कर सकते हैं, आप उसको कुछ भी पहन लीजिए, आप एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी डाल दीजिए, यू आर गुड टू गो। ओ सॉरी, पर मैंने आज एक नॉर्मल सा ज्वेलरी पहना है जो कि मैंने चुंबक से लिया है। एंड बट यस, आज का जो ब्लॉग है मैं आपको कुछ 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 कोशिश कर रही हूँ कि लाइक जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो सब कुछ आपको दिखाऊं। सो यस, सो क्यों हम लोग बेकार में वेट करें, मैं क्यों बेकार में बकबक कर रही हूँ। सो यू गाइस आर एक्साइटेड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस फोन। दिस इज आई गॉट दिस फ्रॉम पैंटालूंस, दिस इज फॉर ₹299 एंड सी दिस इज वेरी ब्यूटिफुल प्रोडक्ट। आप जैसे कि देख सकते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना यूट्यूबर्स लोग। मैं कोशिश कर रही हूँ एकदम प्रोफेशनल बनने की, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पर मैं इसको एक बार भी नहीं पहना है। मैं एक्चुअली भूल जाती हूँ इयरिंग्स पहनना, आप भी शायद बहुत बार देखे होंगे मेरे बहुत से ब्लॉग्स में। मैं मतलब सोच के आती हूँ जब मैं मेकअप ले लेती हूँ थोड़ा बहुत कि आज मैं इयरिंग्स अपनी से इयरिंग पहनूंगी ऐसा कुछ, पर जैसे ही मैं मेकअप ले लेती हूँ एंड मैं अपना सब कुछ सेट कर लेती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे इयरिंग्स पहनना है। ठीक है, लिव इट, चेक इट। उसके बाद हम आते हैं दिस ब्यूटिफुल इयरिंग। और ये बहुत लाइट है। सबसे पहले मैं जब भी इयररिंग्स खरीदती हूँ, मैं पहले क्या देखती हूँ कि वो लाइट है या फिर हेवी है, क्योंकि मैं ज्यादा हेवी चीजें कैरी नहीं कर सकती। मेरा एक तो इयररिंग पहनना मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट का टास्क लगता है, और उसके ऊपर से अगर हेवी हो गया तो दैट इज अ बोनस फॉर मी। तो मैं बिल्कुल भी हेवी इयररिंग्स कैरी नहीं करती हूँ, मैं पहले देखती हूँ कि लाइट है या फिर हेवी है। सो मैं ऑब्वियसली लाइट ही चूज करूँ, वो भी लाइट ही चूज करेगा। ये एक झुमका है पर बहुत लाइट है, ऐसा देखने से आपको लगेगा कि इतना हेवी है, बहुत हेवी होगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज्यादा लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट है। और ये मैं एक नॉर्मल एक स्ट्रीट शॉपिंग से, मैंने कहा से, शायद मुंबई से मैंने लिया होगा, और ये कुछ 60-70 रुपीज में आ गया था। ज्वेलरी के लिए बेस्ट अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि ज्वेलरी आपको कहाँ से लेना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर आपको ₹500 भी बजट होगा, आप कोई भी लड़की बाहर चली जाएगी स्ट्रीट शॉपिंग करेगी, उसके पास इतने बहुत सारा कलेक्शन आ जाएगा। बट अगर आप ऑनलाइन जाकर शॉपिंग करोगे तो ₹500 में शायद ही कुछ आएगा। सो मुझे अगर कोई पूछा जाएगा कि पूनम तुम क्या प्रीफर करोगे, तो आई विल बी लाइक सजेस्टिंग कि प्लीज आप जाओ स्ट्रीट शॉपिंग करो।
अगेन हम वापस आते हैं यहाँ पे. ओ गॉड आई लव दिस वन. दिस इज लाइक ऑक्सीडाइज है बट ऊपर है ब्लू है नीचे रेड है. बट इसको ना मैं किसी भी ड्रेस के साथ ऐसे ही पहन लेती हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है. ये भी मैंने ऑनलाइन नहीं मैंने इसे स्ट्रीट शॉपिंग ही किया है. एंड यस उसके बाद हम आते हैं दिस ब्यूटिफुल स्टाइल. दिस आई गॉट फॉर ₹30. कैन यू इमेजिन गाइस ₹30. पूनम करेक्ट. This is for ₹20. ये दो मैंने मुंबई का जो फैशन स्ट्रीट है मैंने वहां से लिया है. अगेन हम वापस आते हैं झुमके की तरफ. गॉड इट इज सो प्रिटी. ये शायद मैंने अंकिता के यहां से लिया है स्वी धागा कलेक्शन. मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मतलब इंस्टाग्राम का लिंक और उसका फोन नंबर दे दूंगी सो दैट आपको अगर कुछ भी चाहिए होगा तो आप उसको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. एंड उसके पास बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है और बहुत रिजनेबल प्राइस में भी वो सेल करती है. अगेन कमिंग बैक दिस ऑक्सीडाइज और ऊपर से ब्लैक. क्या बात. ये मैंने ऑनलाइन लिया है शायद अमेजन से लिया होगा मुझे इतना याद नहीं है बट यस ये ऑनलाइन था. पर ये वाला बहुत चीप था उस वक्त कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा था सो आई जस्ट गॉट दिस फॉर ₹130 या फिर ₹150. और ये वाला मुझे बहुत पसंद है बहुत ज्यादा पसंद है ये वाला पिकअप वाला. जो नीचे झुमके 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 और ये लास्ट ब्लॉग में मैंने पहनाए थे आपको पता है दीदी की शादी कितनी बार होगा मैं सॉरी दीदी के बर्थडे वाले ब्लॉग में. यस और ये मैंने स्वीधा का कलेक्शन से लिया है. यस आई रिमेम्बर चिप मतलब इतना प्राइस मुझे याद नहीं है पर इतना कॉस्टली भी नहीं था. यस एंड यस दिस इज लाइक द मोस्ट फेवरेट इयरिंग ऑफ माइन. फेसबुक में एक साइट है फेसबुक इंस्टाग्राम में क्राफ्टेड विथ हैप्पीनेस. मैंने ये वहां से लिया है एंड उसके पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है. मेरे पास उसके बहुत से चोकर्स भी है. अभी दीदी के शादी के टाइम पे भी मैंने बहुत कुछ ज्वेलरी मंगवाया था वहीं से. सो गाइस आप ट्राई कर सकते हैं. थोड़ा कॉस्टली है थोड़ा एक्सपेंसिव है ये भी मैंने वहीं से लिया है बट आपको बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन मिल जाएंगे बहुत अच्छे अच्छे. ये शायद कुछ 400 या फिर 350 ऐसा कुछ आया था. उसके बाद हम आते हैं ऐसे नॉर्मल इयरिंग है. ये एक आपको ऐसे नॉर्मल पूरा एकदम ऑक्सीडाइज वाला प्लेन है सिंपल है वही 30-40 रुपीस के रेंज में ही आ जाएगा मिल जाएगा आपको. और ये भी मैंने सुई धागा कलेक्शन से लिया है. दिस इज ऑक्सीडाइज एंड ऑरेंज कलर. आप मैंने एक ऑरेंज कलर का सलवार ही डाला था कभी बीच में मुझे याद भी नहीं आ रहा. एंड मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं मेकअप कुछ भी नहीं किया था बट ये सही इयरिंग एक डाल दिया था एंड इट वॉज लाइक वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा लग रहा था वो लुक बहुत अच्छा आ रहा था. सो एवरीबडी वॉज आस्किंग मी लाइक कि ये कहाँ से लिया एंड मैडम का बहुत ज्यादा सेल हो गया. सो अभी यस हम आते थोड़ा बहुत चोकर देखने के लिए. मैं नहीं पहनती हूँ बिल्कुल नहीं पहनती हूँ आपने शायद ही मेरे गले में कभी कुछ देखा होगा पर मैं खरीदते रखती हूँ. मेरे पास कम से कम 2-3 ड्रॉर्स में मेरे पास फूल होंगे ये से चोकर्स देख सकते हैं आप. ये मैंने वेबसाइट से लिया है. वेबसाइट में कभी कभी इसे सेल लगता है तो उस वक्त मैंने लिया था और ये सेल के दौरान सेल के बाद मुझे ₹450 में मिला है. एंड यस सो डैम प्रिटी. ये पता है मैंने 4 साल हो गया मुझे लेते हुए. मैंने ये 4 साल पहले लिया था और अभी भी आप इसका मतलब ग्लेज देख सकते हैं. आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मैंने 4 साल पहले लिया है. ये भी मैंने वेबसाइट से शॉप किया था.
वेरी नाइस। और एक सिंपल सा चोकर है जो कि आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। दिस इज दिस स्पेशली किसी भी मतलब ऐसे ही आपने एक जीन्स डाल दिया, आपने एक सिंपल सा एक ट्यूब वन पीस डाल दिया है तो उसके साथ आप ऐसे इसको पहन सकते हैं, स्मैच करके डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आएगा, बहुत अच्छा। ये भी एक ब्यूटीफुल सा चोकर है। ये मैंने फैशन स्ट्रीट से लिया था, 250 रुपीज या फिर 300 ऐसा कुछ प्राइस होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, पर उससे ज्यादा तो नहीं था। एंड दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल चोकर। नीरा बाई निधि एक साइट है इंस्टाग्राम में, मैंने वहां से लिया है ये दिस ब्यूटिफुल चोकर पीस। वहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे चोकर सेट मिल जाएगा, लाइक लिटरली बहुत अच्छे अच्छे। ये बहुत सही पीस है, ये मैंने तो शायद 4-5 लिया था, उसके बाद मैंने बहुत से लोगों को गिफ्ट करा ये, बहुत से लोगों को। आप कुछ मत पहनो, बस एक कुर्ता डाल दो ब्लैक कलर का, एनी कलर, कोई भी कलर, और उसके साथ आप ये डाल दो। कहाँ से लिया था मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, क्योंकि ये लाइक ऐसा हो गया कि बहुत दिनों पहले मैंने लिया था, गॉड अटक गया, अभी मैं इसको निकाल भी नहीं सकती, रहने दीजिए बाद में निकाल दूंगी। सो यस, अभी मुझे कुछ कुछ ऐसे इयररिंग्स दिख गए जो कि मुझे ऐसा मन कर रहा था आपको दिखाने के लिए, पर मैं भूल गई आपको दिखाना पहले, तो अभी ये दिखाती हूँ आपको। ये एक बहुत अच्छा सा पीस है, थोड़ा सा हेवी है नो डाउट, बट बहुत सही पीस है। इसके बाद ये एक ज्वेलरी है जो कि मैंने अभी एक मूवी में पहना है, ये वाला इयरिंग, और ये मैंने शीन से लिया है, एंड फॉर जस्ट ₹190 या फिर ऐसा कुछ। और मेरे पास झुमके बहुत सारे हैं, ये बहुत अच्छा सा है, पर ये सब आपको ना पर्टिकुलर एक कलर में ही जाएगा, ग्रीन के साथ ही आप इसको पहनोगे तो अच्छा लगेगा। ये मैंने स्वीता का कलेक्शन से लिया है, इट वॉज ₹250 या फिर ऐसा कुछ। मैडम के पास बहुत सारे कलेक्शन है, और ये मेरी दीदी लाई थी डेली से, और दैट सरोजी नगर मार्केट या फिर ऐसा कुछ, वो ₹60 में या फिर ₹50 में लेकर आई थी, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा डिजाइन है। और भी मेरे पास बहुत है, सो प्रिटी, ज्यादा हेवी नहीं है, द बेस्ट पार्ट, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने मुंबई से लिया था, एक बुटीक से लिया है मैंने, मैं ऐसे ही गई थी कुछ सैंडल्स वगैरह लेने के लिए, मुझे सैंडल्स से पसंद नहीं है, मुझे ये इयररिंग्स बहुत पसंद है कि मैंने इसका एक गोल्डन कलर में भी लिया है, इसका एक सिल्वर कलर में मैंने लिया है, और ये थोड़ा बहुत कॉस्टली था क्योंकि रमजान का टाइम था, और बहुत कुछ मतलब बहुत से लड़के आते थे वहां पे शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, तो इट वॉज ₹400 या फिर ₹300 ऐसा था, जो कि इतना मुझे नहीं लगा था प्राइस होगा, बट ठीक है, इट्स ओके। और यस, ये मैंने दीशी का ट्रेंड, साक्षी जी एक मेरी बहुत क्लोज है, मेरी दीदी है, उनसे मैंने ये लिया था, इसका मैंने गोल्डन और एक सिल्वर ये दो लिया था, और गोल्डन तो मैंने इतने बार यूज किया पता नहीं वो बेचारा कहाँ होगा। ये हुक जैसा है, एक हुक जैसा होता है जो आप ये रिंग्स को ऐसे लगाकर आराम से इसको कान के पीछे डाल सकते हैं,
और ये मैंने नीरा भाई निधि से लिया है, इंस्टाग्राम साइट ऑनलाइन में बोल रही थी आपको। और ऐसे मेरे पास बहुत ज्यादा, भी अभी एक एक करके दिखाऊंगी तो खत्म नहीं होगा। ये एकदम वो ऑक्सीडाइज तो नहीं बोलूंगी, हाँ वही व्हाइट मेटल जैसा है, बट मुझे अभी मिल गया तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मैंने वही फुटपाथ से ही लिया था, मतलब स्ट्रीट शॉपिंग, और वो बस 70-60 रुपीज ऐसा कुछ था। यस, ये मैं ढूंढ रही थी आपको दिखा। अरे भाई निकल चल, दिस इज अ ब्यूटिफुल। ऊपर आप देख सकते हैं एलिफेंट, हाथी, हाथी मेरे साथ ही। और ये ये भी मैंने अंकिता के पास से लिया है, सुई भाई धागा मादा, क्या मैं बोल रही हूँ, पागल हो गई हूँ यार, तो बात सब ऑर्गेनाइज करके रखूंगी। और ये कैसे भूल सकती हूँ मैं इन दोनों को, बेचारे मेरे एंकलेट्स, मुझे एंकलेट्स बहुत पसंद है, मैं पहनती हूँ एंकलेट्स, मुझे एंकलेट्स बहुत पसंद है, मतलब बहुत क्रेज है मुझे एंकलेट्स के। ओ गॉड, सबसे पता है सबसे बेस्ट पार्ट इस वीडियो का क्या है, कि मैंने इस वीडियो के चलते अपना जो ज्वेलरी सेक्शन है मैं थोड़ा बहुत उसको ऑर्गेनाइज करके मैंने रख दिया। एंड थैंक यू सो मच गाइज, अगर आप लोग शायद अगर रिक्वेस्ट नहीं करते तो मैं इतना ऑर्गेनाइज करके नहीं रखती ये सब सामान, सो थैंक यू सो मच, ऐसे मुझे रिक्वेस्ट करते रहिए सो दैट मैं अपने सारे सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखूं और आपको सब कुछ दिखा सकूं। एंड मुझे जो भी लगता है कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि आपको कहाँ से लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, और ये सब ज्वेलरी के लिए ना आप ज्यादा इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि हम ना लड़कियां बोर हो जाते हैं, एक पहन लेंगे हमें दूसरे टाइम पहनने के लिए हमें बोर लगेगा। सो आई विल बी लाइक सजेस्टिंग कि आप थोड़ा कम कॉस्टली खरीदे, ताकि आप उसको ऐसे 2-3 बार पहनने के बाद यू विल बी लाइक हाँ चलो ठीक है बाद में पहन लेगा, ऐसा हो जाएगा। सो फुटपाथ क्या मैं बोल रही हूँ, स्ट्रीट शॉपिंग करिए, या फिर मैं आपको एक दो साइट्स का मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से शॉप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चीप रहेगा आपके लिए। एंड यस गाइस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। भाई बहुत बहुत मेहनत किया है मैंने इस ब्लॉग के लिए, मेरे दो भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक ने कैमरा पकड़ा है, एक ने लाइट पकड़ा है। सो गाइस प्लीज थोड़ा बहुत इस वीडियो को ना वायरल करिए, आप इसको देखिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने घर वालों को बोलिए देखने के लिए। और गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज यार एक रेड बटन ही आपको ऐसे दबाना होता है और कुछ नहीं करना पड़ता, और वीडियोस को देखिए। सो यस प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज पूनम मिश्रा ऑफिशियल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।